अच्छा रूमी सर ने जो भी फिल्में लिखी हैं सारी नंबर वन है, हीरो नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन. इन्होंने सोच रखा है कि जो काम करना है नंबर वन ही करना है. जैसे आज टीवी शो में भी आए तो आप देखो नंबर वन. और आपको एक चीज बताऊं कमाल की, ये नंबर वन का जो है जी, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो सब नाम बोलते ना, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो. तो एक अल्फिया नाम पसंद आया. अच्छा, सबको अच्छा लगा अल्फिया. तो बोले इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है नंबर वन. आपने ना दोस्ती की बात करी है ना, तो इसका श्रेय ना मैं अन्नू कपूर जी को देना चाहूंगा. अच्छा जी. अन्नू कपूर को हम बहुत सालों से जानते हैं. एक्चुअली ये एक साल हमसे पहले आ गया होता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बट पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके कुछ एडमिशन का. बात भी सुन लो, हमारी बात भी सुन लो. एक्चुअली ये मुझसे 51 दिन छोटे हैं. ये 13th अप्रैल 1956 के हैं. वाओ, ठीक है. और मैं 20th फरवरी 1956 का हूं. उम्र में छोटे हैं लेकिन कर्म में, गुण में और टैलेंट में बहुत बड़े. ये मेरे भाई 23rd मार्च 1966 के हैं. अब भी विकिपीडिया को मैंने कहा भैया 74 हटाओ. ये जब मुझसे पहली बार इनके दीदार हुए थे तो ये 12 साल के नहीं थे, अच्छे खासे जवान लौंडे थे ये. और ये आज का सुपरस्टार 2nd अप्रैल 1981. अरे बाप रे. तो हम एक ही राशि के हैं, एरीज है. क्या आप सब एक ही राशि के? ये भी एरीज है. वाह अनु सर. अनु सर कौन से बादाम आते हैं आपके घर में? इतनी मतलब मैंने बहुत बार देखा इतने शोज में, इनको एकदम से कोई भी अगर जिक्र करता है चाहे किसी फिल्म का, हर चीज इनको याद रहती है. वाह सर, सही बात. मैं अपनी दोस्ती की बात बोल रहा था ना, अन्नू कपूर ये एक्सक्लूसिव आदमी है, बहुत ज्यादा दोस्तियां करते नहीं है किसी से. अच्छा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर दो लोगों को दोस्त मानते हैं तो वो रूमी को और मुझको मानते हैं. अपना कपिल करीबी दोस्त जानते हैं, मगर मैं इस शो का फायदा उठाते हुए कुछ अन्नू भाई के बारे में मैं भी बोलना चाहता हूँ. जी. कि जब से मैं भोपाल से बॉम्बे आया, तब बॉम्बे था आज मुंबई है, मैं आया मैं 19 साल का था. एक अच्छा ना, एक लॉस्ट लड़का भोपाल के मतलब तालाब की मछली को निकाल के समंदर में डाल दिया है. तो उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तेरे, कितना तेरे, खारा पानी. उस टाइम पर अन्नू भाई ने मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह इतना प्यार और इतना हौसला दिया मुझे. जब मैं राइटर बना भी था, लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं थे. बोलता था मैं राइटर हूँ तो मुझे हंसते थे लोग कि बेटा स्कूल के प्ले नहीं लिखना है, बच्चों के नाटक. जाओ पहले जिंदगी देखो, दुनिया देखो, भूखे भटको, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वजन आएगा. अच्छा. हाँ, तो मैं बोलता था मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरे ख्यालात देखो. राइट. तो मुझे कोई बिलीव नहीं करता था. मैंने बड़ी कोशिशें की, बिना नंबर का चश्मा लगाना शुरू किया कि फेस पे मैच्योरिटी आ जाए. तो अन्नू भाई जो हैं मुझे इतना चाहते थे, मैं सबको बताता हूँ, बच्चों अभी भी चाहते हैं कि मेरा 89 में ऑपरेशन हुआ, अपेंडिस बस्ट हो गया था, फिर भोपाल गया आराम करने, तो जॉइंटिस हो गया था. तो अन्नू भाई और पूरी साहब, ओम पूरी, ये दोनों भोपाल आए मुझे देखने के लिए. क्या बात. मतलब होता है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ. अच्छा, अभी हाल ही में सर आपने, अन्नू सर ने साथ में एक चेहरे फिल्म भी करी. Okay. आपने बड़ा हंसाया भी है लोगों को. चेहरे बड़ी अलग किस्म की फिल्म थी, मैंने देखा, बड़ा मजा आया. और पूरे एक ही कॉटेज के अंदर की कहानी है. बच्चन साहब हैं, इमरान हाशमी साहब हैं, अनु सर हैं. तो आपके दोस्तों ने कहा नहीं कि एक ही कॉटेज की कहानी फिल्म बना रहे हो कि हमें क्वारंटीन कर रहे हो आप? एक होता ना कि यार हम फिल्म करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे. अरे हमको अंदाजा होगा तो आने वाले वक्त में क्वारंटीन होना, तो हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे थे. मेरा जो है रूमी, मेरी खुशकिस्मती रही है असल में कि रूमी के लिखे हुए रोल जो मेरे आज लोगों को पसंद आते हैं ना, वो पप्पू पेजर हो, वो मुत्तू स्वामी हो, जी, जी, वो शराफत अली हो, वो कुंज बिहारी हो, वो सब इनके लिखे हुए हैं. क्या बात. और वो बना वो डायलॉग इन्हीं का लिखा हुआ है. ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, सोचना पड़ेगा. वो शराफत अली कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता, और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा. ये रूमी भाई के लिखे हुए डायलॉग है ना. एक और मैं आपको वाकया बताऊं, बड़े मियां छोटे मियां का. अच्छा जी. हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे हैं बड़े मियां छोटे, बड़ी कमाल की फिल्म है. बड़ा एंजॉय किया उस फिल्म को देख के. तो फर्स्ट सेट लगा पुलिस स्टेशन का महबूब में, और अमित जी का
और गोविंदा का पहला सीन सतीश भाई का, तो उसमें एक डायलॉग था, गोविंदा उनको डांटते तो गोविंदा बोलते क्या बात करो शराफत अरे भाई हम तो आपको इतना प्यार करते हैं, तो अम्मी जी भी आगे बढ़ते हैं तो ये बोलते हैं तू दूर खड़ा रहे लंबू मन्ना टांगे छाड़ के ढाई फिट का कर दूंगा लोग अप्पू राजा कह के बुलाएंगे। तो क्या हुआ ये अमित जी का बड़ापन, मैं अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ कि कितने ग्रेट आदमी है बड़े, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ तो डेविड साहब बोले यार रूमी फर्स्ट डे अमित जी को बुरा ना लग जाए ये काट दे। अच्छा तो वो काट दिया उन्होंने। तो मैं अमित जी के पास गया, प्रवीण आया कि सर बुला रहे हैं क्या है रूमी सीन, तो मैंने सुनाया फ्लो में तो मेरे मुँह से डायलॉग निकल गए। अच्छा उन्होंने कहा ओके दे दो, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए, मैंने आके बोला हो गया बोल दिया उन्होंने, मतलब इतने अच्छे हैं आप कुछ भी लिखोगे ना अमित जी कभी आपने भी काम किया कभी एक वर्ड नहीं बोलते आप बताओ क्या करना। वाह क्या बात, तो सतीश भाई का हिट डायलॉग था टांगे काट के चल। एक बड़ा कमाल का किस्सा है रूमी भाई की लिखी हुई साजन चले ससुराल। अच्छा जिसमें मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मेमत बिग बजट पिक्चर ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। और उस समय की बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े बजट की बहुत बड़े तो था। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था, शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। अच्छा। उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा पागल हो गए तुम यार। हाँ। ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है नीचे ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, कुछ नहीं होगा चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं यार, पर उसने करके दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फाइटर ने किया कर। सडनली मैं फिर लेट गया, स्टार्ट साउंड रोल कैमरा एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट, तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए, मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठाने का बोले चला। पता चला यही है सारा इसी ने करके देखा। मैंने कहा भैया पूछ लो इससे, कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेट के शॉट दे तो चुपचाप यार। अच्छा तो कई बार क्या होता है कई बार एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते सतीश भाई ने करना है तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा हम ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी, तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट कैरेक्टर बन गया, वो सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है ना कि यू आर अंडर अरेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।